हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई अभी तो मैं अकेला हूँ भाई, मेरे साथ अभी कोई नहीं है। आज सोलो व्लॉगिंग चल रही है। अभी तो मैं जा रहा हूँ उधर नामकुम के साइड, उधर मिलेगा कोई कोई तो देखते हैं। कोई प्लानिंग नहीं है भाई आज की, कहाँ जाना है अभी वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा कहाँ जाएंगे हम लोग। एल्विस तो भाई वहीं पर है, और कोई कोई भी आए हैं, कॉल तो किए थे मेरे को, अब वहाँ जा के देखते हैं। हाँ तो भाई ये हम लोग अब पहुँच गए सीधा लोहाड़ी चौक। अब यहाँ से बढ़ते हैं एकदम फुल पावर। भाई आज पूरा अकेले हो गए, कोई है ही नहीं साथ में। बहुत दिन बाद अकेले जा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा है भाई, लेकिन अकेले घूमने का भी अलग ही मज़ा है। अपना मन किया भगाओ वरना आराम से चलते जाओ। भाई मेरे में 4 सेल तो है फ्यूल, भर लिया जाए क्या थोड़ा सा? छोड़ो भाई आते समय भरेंगे, अभी चलते हैं, वैसे भी लेट हो रहा है। देखते हैं कोई मिलता है तो जाएंगे कहीं, वरना वहीं पर वीली बाजी होगी। गाइस एम्प्टी बॉय की कमी हो गई लगता है ग्रुप में, अभी वो रहते तो भाई सब सही चलता है, लेकिन अभी थोड़ा सा सब अलग अलग हो गए वैसा लगता है। चलो भाई पहुंच गए हम लोग सदाबहार चौक। भाई आज तबीयत भी मेरा ठीक नहीं लग रहा है, पूरा हेडेक हो रखा है। चलो भाई अब हम लोग पहुँच गए हैं 89 डील्स। अब देखते हैं भाई अंदर कौन है, कौन कौन है, बस खाली ना हो भाई। पता चला गया और कोई है ही नहीं, फिर भाई हम लोग को वेटिंग खेलना पड़ेगा। अरे भाई 90-90 हो जा रहा है, खतरनाक भाई, खतरनाक क्राउड है आज। मज़ा आ रहा है भाई, वैसे तो क्या सीन सोच के आए थे भाई, लेकिन क्या सीन चल रहा है, विली पे विली। थोड़ा देख के करते हैं भाई, गाड़ी उड़ी जाने देते हैं यहाँ। अरे भाई नहीं हुआ, भाई थोड़ा सा ज़्यादा ही क्राउड है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ। भाई आज विली भी अच्छा अच्छा लग रहा है, थोड़ा BS3 BS4 BS6 डोमिनार। क्या हमें कोस्टर देखने को मिलेगा, क्या लगता है आपको सर? कोस्टर चले क्या गाइस, मिनी कोस्टर। हाँ तो भाई सोच रहे होगे कि अब यहाँ सीधा कैसे आ गया, ये किस जगह है हम लोग। तो भाई अभी हम लोग लोहाड़ी में, तो नामकुम से लोहाड़ी पहुँचे कैसे हम लोग ऐसे पहुँचे भाई। तो भाई ये है नेक्स्ट डे, कल भाई क्या बोलूँ, कल मेरा हो गया व्हीली क्रैश भाई। कल वन हैंड मार रहा था तो भाई उसी में क्रैश हो गया भाई। कल मतलब बहुत देर तक ऐसे व्हीली वगैरह मार रहा था, तो कल सोचा कि वन हैंड भाई एक बार ट्राई करता हूँ। तो एक ही बार मैं ट्राई करने को गया, मैं लगभग होऊंगा मतलब थर्ड गियर सेकंड में उठाया, थर्ड पे शिफ्ट किया और होऊंगा लगभग 90-100 के आसपास, या 80-90 होऊंगा भाई। तो जैसे ही मैं एक हाथ अपना ऐसे छोड़ा ना, तो वैसे ही ये वाला मतलब पूरा शरीर का वेट इसी हाथ में आ गया ना, ये हाथ छोड़ा तो एक्सीलेटर और बढ़ गया भाई। एक्सीलेटर बढ़ा, उसके बाद मैं वापस तुरंत दूसरा हैंडल पकड़ा, लेकिन तब तक 90 प्लस हो चुका था हाइट मेरा। और भाई ब्रेक भी मारा लेकिन फिर भी भाई गिर गया, क्या करे भाई। अब यहाँ लगा है मेरे को, घुटनों में लगा है, इधर इधर भी लगा है, और भाई पीछे बम में भाई। तो अभी तो सुबह ही हो रहा है भाई, 9 बज रहा है जैसा। हम लोग फिलहाल जा रहे हैं हम बाइक को बनवाने भाई। बाइक में तो उतना डैमेज नहीं है, लेकिन है भाई पीछे का बैक लाइट टूट गया है, क्योंकि टूटना ही टूटना है व्हीली क्रैश में, पीछे पलट के गिरोगे तो। फिर राइट साइड का फुटरेस्ट टूट गया है, और भाई मेरा हैंडल तो बेंड होना ही होना है, और शायद टी वगैरह भी बेंड हो गया जैसा लग रहा है। और तो भाई अभी हम लोग सीधा पहुँच गए हैं बहू बाज़ार। भाई
क्या बोले, कल गिरते नहीं पर मेरा ही गलती था, हम ही वन हैंड मारने के लिए थोड़ा ज़्यादा जोश में आ गए थे। और अभी देखो भाई नतीजा, हम ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे हैं, बता बैठने में बड़ा दिक्कत भाई। अभी जा रहे हैं भाई हम लोग मेन रोड सोनू गैरेज भाई, अभी वहीं पर सब चीज़ करा लेंगे मस्त भाई। अभी मेरा सारा व्लॉग्स डिले होने वाला है कुछ टाइम, हफ्ता दो हफ्ता जैसा भाई डिले होने वाला है, तो क्या पता भाई यूट्यूब फिर मेरे लगाते। तो देखो भाई ये है गौसनर कॉलेज, आज तो संडे है इसीलिए यहाँ पर मतलब भीड़ उड़ नहीं दिख रहा है, वरना डेली भीड़ ही रहता है, सब बाहर भी रहते हैं अंदर भी। ये है गौसनर का गेट और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं सुजाता चौक भाई। सुजाता चौक से हम लोग को उधर जाना है अंदर की साइड। भाई मैं तो सुबह अभी उठा और चेहरा भी नहीं धोया हूँ, ऐसे ही आ गया। चलो भाई हम लोग थोड़ा जल्दी आए हैं, होप कि काम हो जाए हम लोग जल्दी से। भाई किसी को अगर नहीं पता है कि सोनू गैरेज कहाँ है तो ये देखो भाई, ये गुरु नानक स्कूल है और यहाँ जस्ट इसके आगे राइट साइड में सोनू गैरेज। अगर सुजाता चौक से आओगे तो फिर इधर गुरु नानक स्कूल पड़ेगा और जस्ट थोड़ा आगे आके ये देखो ये वाला है सोनू गैरेज। लगा है थोड़ा वो, हाँ अच्छा। अरे मीटर ना थोड़ा सा ऐसे हो गया है, वो कैसे हो गया? झुक गया है नहीं, मतलब तिरछा लग, थोड़ा तिरछा लग रहा है। क्या चीज हो गया मीटर में? अलाइनमेंट करवाना होगा, क्रॉक बैंड हो गया। चलो भाई काम होता है उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं गाड़ी। देखो पूरा गंदा हो रखा है, ये बैक लाइट, फिर भाई कल साइलेंसर भी लगा हुआ था वो पता नहीं कैसे टाइट नहीं था लेकिन खुल गया था गंदा। तो भाई काम शुरू हो गया हम लोग का, आगे का फोक बेंड हो गया, इसे चलते मीटर थोड़ा सा तिरछा हो गया भाई। टाइम बस यहीं फोक अलाइनमेंट में लगेगा, बाकी सब तो प्लग इन प्ले। देखो ये चेंज हो गए हैं, ये बैक लाइट, ये हैंडल ग्रिप, ये पीछे वाला पैनल, ये हैंडल, ये फुट रेस्ट और एक और ग्रिप, ये चेंज होगा, ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ। देखो भाई अपनी ड्यूटी फ्री बन चुकी है, ये नया ग्रिप, नया हैंडल, ये वाला नया फुट रेस्ट, गंदा हो गया अगर तो नहीं दिख रहा होगा इस तरह, नया टेल लाइट भाई, तो भाई हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं सोनू गैरेज से। भाई हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं हम दोनों, अभी देखते हैं रास्ते में कुछ खाते हुए जाएंगे वापस, क्या करें भाई पीछे चोट लगा है ना, बड़ा दिक्कत दे रहा है। हाँ तो भाई हम लोग उधर मेन रोड में कुछ खा लिए थे, अभी एल्विस का रूम पहुँचने वाले हैं हम लोग। तो भाई इस ब्लॉग को पता नहीं कब तो डालूँगा, लेकिन इस व्लॉग के बाद थोड़ा सा शायद से डिले हो सकता है मेरा अगला व्लॉग वगैरह, क्या करे भाई। गाड़ी तो रिकवर हो गया, अभी हमको रिकवर होने में टाइम है थोड़ा, तब तक राइड भी नहीं कर सकते हैं भाई। देखो मेरा पूरा एकदम पैंट वेंट फट गया भाई, पीछे भी फट गया है, हम कल घर ही नहीं गए थे, इसी का रूम में थे और ये हमको ऐसे ही नामकुम ले जाने का बात कर रहे, बोल रहे चलो ठीक लगेगा, रेस्ट भी नहीं करने देगा। तो भाई चलो पहुंच गए हम लोग एल्विस का रूम, अभी तो फ़िलहाल मेरा हालत ख़राब है, तो चलो सबको मिलेंगे न्यू व्लॉग में थोड़ा टाइम के बाद, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।